मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करना है और उससे पहले कमलनाथ ने 11 बजे भोपाल में कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। इसके बाद 12 बजे कमलनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। तो आज कमलनाथ के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले 11 बजे भोपाल में कांग्रेस विधायकों की बैठक है, फिर कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। मनोज, कमलनाथ की राह आसान नहीं है? बहुत मुश्किल रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है, क्योंकि नंबर गेम में अगर आप जाएंगे तो 107 विधायक बीजेपी के पास है। एक विधायक उनका ऐसा है जो कांग्रेस में भी जा सकता है या उनके पक्ष में वोट ना करे, यानी 106 की संख्या बीजेपी के पास बिल्कुल यकीनी तौर पर है। जबकि कांग्रेस सारे अदर्स को मिला लें, बीएसपी को मिला लें, सभी को मिला लें तो 99 पर जाकर रुक जाती है। यानी हर हाल में कांग्रेस को कम से कम 8 या 9, जब बीजेपी के विधायक अगर सदन से गैर मौजूद रहे हैं तभी जाकर कमलनाथ की सरकार बच सकती है, जो इस हालात में मुश्किल दिखता है। क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को बीते कई दिनों से एक साथ रखा है। अभी भोपाल के पास करीब 40 किलोमीटर दूर एक रिजोर्ट में रुके हुए हैं, सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। उनके लिए बाकायदा डीजीपी से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरक्षा मांगी हुई है। तो ये तमाम हालात में दिखता नहीं है कि बीजेपी से कोई टूट फूट हो पाएगी। 22 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार हो चुके हैं, तो दो पद सदन में खाली पड़े हुए हैं 2 MLA के लिए, वहाँ बाई इलेक्शन पहले से ड्यू थे, तो ऐसे में दिखता नहीं है। इसलिए 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है, इस बात की भी पूरी संभावना है कि कमलनाथ फ्लोर टेस्ट करने के पहले ही इस्तीफा दे दें और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो राजभवन जाके अपना इस्तीफा दे दें और फ्लोर टेस्ट को फेस न करें। बिल्कुल मनोज, यही सवाल मेरा आपसे था कि ठीक फ्लोर टेस्ट से पहले कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस की काफी फजीहत होती है। अगर फ्लोर टेस्ट पास नहीं करवा सकते हैं तो बहुत मुमकिन है कि 12 बजे ही वो इस्तीफा दे दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, इस बात हमने सूत्रों से बात की, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी तक हालांकि कांग्रेस ने या मुख्यमंत्री जो सीएम हाउस के सोर्सेज ने पूरी अपनी रणनीति को साफ नहीं किया है, क्योंकि एक बात तो कयास यहां तक लग रहे थे कि कांग्रेस के तमाम विधायक 2-3-4 इंडिपेंडेंट और साथ ही साथ 22 इस्तीफे हो चुके हैं। तो एक रणनीति ये भी हो सकती है कि सदन की जो स्ट्रेंथ है वो 230 है और अगर 116 लोग इस्तीफा देते हैं उन हालात में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, क्या दोबारा चुनाव होंगे, राज्यपाल उस हालात में क्या कॉल लेगा, ये तमाम भी विषय है। कांग्रेस की जो 11 बजे होने वाली बैठक है वो बहुत अहम है। हमने कई मंत्रियों से बात की, सबका कहना है कि जो रणनीति को जो अंतिम रूप है वो 11 बजे मुख्यमंत्री के साथ जो विधायकों की और तमाम मंत्रियों की जो बैठक है वो बड़ी अहम है और उसमें फैसला होगा कि आखिर कांग्रेस क्या रुख अख्तियार करेगी, क्या कमलनाथ जो फ्लोर टेस्ट है उसके पहले ही इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। बिल्कुल, तो रणनीति अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो 11 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक है वो काफी अहम है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी घमासान के बीच देर रात विधानसभा स्पीकर नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कांग्रेस के 16 विधायकों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। 10 मार्च को विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमलनाथ को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। इन सबके बीच पूर्व सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने डीजीपी को एक खत लिखकर बीजेपी विधायकों को सुरक्षा देने की मांग की है। तो सुरक्षा देने की मांग की है और बहुत मुश्किल है कमलनाथ की राह, क्योंकि जो बीजेपी के विधायक है जिनको सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी, ऐसे में टूट हो सके बीजेपी विधायकों में इसके आसार बहुत कम है। संविधान मौन है, मैं तो यही मानूं। स्पीकर का ये कहना बड़ा मायने रखता है, कहीं ना कहीं तो मुझे बहुत दुख है जो घटनाक्रम जो परिप्रेक्ष्य घट रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो मौन शब्द फिट होता है। क्या आपने सर ये विधायकों के जो इस्तीफे आए थे उसमें क्या फैसला लिया? जिन 6 सदस्यों को निकाला गया था वो मंत्री थे, सिर्फ विधायक नहीं थे। सत्ता के लिए आप साथ में गए ना? आपको मैं याद दिला सकता हूँ, बाबा साहब ठाकरे जी जो हैं, वो इंदिरा जी के साथ 5 मिनट की उनकी मुलाकात थी जो 1.5 घंटे चली थी, और आखिर में इंदिरा जी ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे जो है जो महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं मैं उसका सम्मान करती हूँ। तो आपको ये गलत फहमिया है, ये भारतीय जनता पार्टी जो बातें करती है ना वैसी चीजें स्थितियां और परिस्थितियां नहीं है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र की सोचते हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही है। ये हमने कभी नहीं कहा, आप कहते थे आप एक साथ
सांप्रदायिक लोग इधर जिन्ना के, अरे भाई आपके साथ क्यों चले गए पहले तो ये बता दो, अभी हम जाके जोड़ दो, अरे आप तो बड़े हिंदू, अरे हिंदुओं के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे तो आप कलंक हो, हिंदुओं के नाम पे तो आप कलंक हो, जब भी बात होती है आप हिंदुओं का हित करते हो, नहीं गोविंद मालू जी के हंता हो आप, हमेशा हिंदुओं की गोविंद मालू जी वाली पार्टी हो। मैंने कहा ना गोविंद मालू जी उस राजनीतिक दलदल में जी आप लोग भी क्या उतने ही धसे हुए नहीं है? महाराष्ट्र का ही जिक्र कर लें, दूर ना जाए महाराष्ट्र का ही जिक्र कर लें, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ कौन खड़ा हुआ था? सरकार जी बता दो ना, आपका सरकार बनाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन आपने लिया था, कश्मीर में आपने क्या किया? वो आतंकवादियों के समर्थक लोगों के साथ जाके आपने मुफ्ती मोहम्मद की लड़की के साथ जाके आपने सत्ता की चाशनी काटी, उसके कदमों में गिर पड़े सत्ता के लिए, ये आपका चालचरित्र चेहरा है। आप किसी भी हद तक गिर जाते हो, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को भूल जाते हो, आप एक एक विधान एक निशान का बात को भूल जाते हो, आपका चाल चरित्र और चेहरा है सत्ता लोलुपता, गिरना सत्ता के लिए चरणों में गिर जाना, सारे समझौते कर लेना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सत्ता के अंदर सरकार बनाई थी, शायद भूल गए आप, आपका चरित्र अगर मैं बखान करूं तो आपके पन्ने के पन्ने लिख जाएंगे, ये ले लो ठंडे कागज लिख जाएंगे, अगर आप नहीं गोविंद मालू जी, ये लोकतंत्र है। गोविंद मालू जी बहुत लगातार आप कॉन्फिडेंस आप भी दिखा रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर नजर आ रहा था वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी नजर आ रहा है। एक विधायक के बारे में बता दीजिए गोविंद मालू जी, एक विधायक के बारे में बता दीजिए, नारायण त्रिपाठी कहाँ जा रहे हैं? आप तो जा रहे हैं किसी के परिजन, नारायण त्रिपाठी कहाँ जा रहे हैं? आप कांग्रेस बन भी नहीं सकते, आप कांग्रेस बन भी नहीं सकते क्योंकि आप तो अंग्रेजों के गुलाम हो, उनके तलवे काटने वाले लोग बैठे हैं, आप क्या पूरी टीम कमलनाथ जी की आइए, दो एक्सरे ले जाइए, थैली ले जाइए और हमारे पास आ जाइए, एक विधायक जाने वाला नहीं है, अरे आप क्या हो गए, एक विधायक जाने वाला नहीं है हमारा, मुगालते मत रहना, आप तो मुख्यमंत्री को सलाह दीजिए, अगर अपनी इज्जत प्यारी है ठीक है और अपना चेहरा कुछ बचाना चाहते हैं तो 12 बजे इस्तीफा दे दे राज्यपाल को जाके, 12 बजे इस्तीफा दे दे राज्यपाल को जाके, नहीं तो वो बुरी गत होगी फ्लोर टेस्ट में कि आप याद रखेंगे। और भी कांग्रेस के विधायक हैं जो इस्तीफा देंगे, सुन लीजिए रवि सक्सेना जी, अपना घर संभालिए, दूसरे के घर में मत देखिए, दूसरे के घर पर पत्थर मत फेंकिए, अपना घर शीशे का है, शीशे का और कुछ नहीं चाहिए आपको। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, गोविंद मालू जी आ रहा हूँ, रवि सक्सेना जी रवि, आप दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा शांत हो जाए, शिवराज पटेरिया जी हमारे साथ लगातार हैं, बने हुए साहब, क्वार्टरली किस्त ले रहे थे, क्वार्टरली कोई लेना देना नहीं, किसान की इंटरेस्ट सही किस्त ले रहे थे आप लोग, हम किसान सरकारी अधिकारी कितने खुश हैं, आप सरकार जाने का जश्न मनाएंगे। गोविंद मालू जी रवि सक्सेना जी, रवि सक्सेना जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपकी सरकार जाने जी जी जी, गोविंद मालू जी माफी माफी आपसे, कृपया शांत हो जाए, गोविंद मालू जी रिक्वेस्ट है आपसे जी जी। शिव अनुराग पटेरिया सर, नारायण त्रिपाठी का भी जिक्र हो रहा है और स्वाभाविक है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कई बार सत्ता के साथ नजर आते हैं, तो क्या यहां पर मन डोलेगा क्या इन हालातों में नारायण त्रिपाठी का? लगातार सीएम से उनकी मुलाकातें हमने देखी हैं, उनकी मांग को भी पूरा हाल ही में कर दिया गया। प्रशांत जी मुझे लगता है कि नारायण प्रसाद त्रिपाठी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा भरोसा आप नहीं कर सकते, वो सपा कांग्रेस और भाजपा में एक के बाद एक बदलते हुए चले आए हैं, मुझे लगता है कि अभी वो कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं, जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे आप नहीं कह सकते हैं, अगर वास्तव में उनको कांग्रेस का साथ देना होता तो वो इस्तीफा दे चुके होते, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, मुझे लगता है वो उनका मूल पिंड मूल मत आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ जाते हैं, वैसे उनके बारे में कहा जाता है जहाँ बम वहाँ हम, यानी जहाँ सरकार वहाँ हम, तो अब देखिए अब क्या होता है। बिल्कुल रवि सक्सेना जी, जिस कॉन्फिडेंस की लगातार आपके तारीफें हो रही थी आपकी पार्टी के आपके नेताओं की, वो कॉन्फिडेंस अब आखिर क्यों चला गया? और वही कॉन्फिडेंस तो है जो आपके साथियों को आपके पास रोक कर रखेगा, चाहे निर्दलीय हो सपा बसपा के हो या फिर कुछ और बीजेपी के आपके साथ आ रहे हों। आदरणीय प्रशांत जी मुझे आप बताएं, मुझे कहीं आपको कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है क्या? जी मैं रवि जी रोक रहा हूँ इस वक्त, रोक रहा हूँ आपको, पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा जी उनके साथ मौजूद हैं। पूजा पूजा क्या तैयारियां हैं फ्लो टेस्ट की, क्या कह रहे हैं नरोत्तम जी?
बिल्कुल देखिए, आज कांग्रेस भले ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रही हो, लेकिन बीजेपी उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और सीधा बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद है, जो कांग्रेस के हिसाब से इस पूरी राज्य। तो आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है सबकी नजरें, उससे पहले 11 बजे कांग्रेस के विधायकों की बैठक और 12 बजे कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ना कोरोना का बहाना चला, ना दिग्विजय सिंह का इमोशनल ड्रामा चला, और जो अब फ्लोर टेस्ट होने वाला है बहुत मुमकिन है कि उससे पहले ही इस्तीफा हो जाए। तो तमाम कोशिशें कांग्रेस की तरफ से की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रही। जो सबसे बड़ी बात है, जो रूठे हुए विधायक थे, जो सिंधिया समर्थक थे, उनको मनाने की कोशिश अगर कामयाब होती, क्योंकि यही बात कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जा रही थी कि हम उनके संपर्क में हैं, उनमें से जो पहले कहा गया कि जो 22 हैं, 22 में से 10 से 12 हमारे पास आ सकते हैं, फिर 6 के इस्तीफे ले लिए, फिर कहा जाने लगा कि इनमें से जो बचे हुए हैं उनमें से हमारे पास 16 में से हमारे पास कम से कम 8 या 9 आ सकते हैं। अगर भी कांग्रेस कामयाब हो जाती उनको वापस लाने में, तो ही कांग्रेस की नैया पार होना आसान होता। इन हालात में, अभी जो हालात हैं उनमें घर के रूठे हुए तो अपनी जगह है, दूसरी तरफ जो सामने जो पार्टी है वो बीजेपी, उसने अपने पूरे घर को संभाल के बीते 16 या 17 दिन हो रहे हैं इस ड्रामा को, 17 दिन से बीजेपी अपने विधायकों को इधर से उधर नहीं होने दे रही है, 17 दिन से अपने विधायकों को एक साथ रखे हुए है, जबकि कांग्रेस के जो विधायक टूट कर गए थे उसमें एक भी वापस नहीं आया। बिल्कुल मनोज, समस्या कांग्रेस के लिए ये भी है कि जो बचा हुआ कुनबा है वो ना बिखर जाए, उसमें टूट ना हो जाए, ये भी समस्या है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस सरकार गिरने के बाद बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार में जब तक रहते हैं तो सभी साथ रहते हैं, सरकार से हटने के बाद सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जो सामने अभी दिख रहे हैं वो भी बहती हवा का रुख देखेंगे। समाजवादी पार्टी का एक विधायक, बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक और 4 निर्दलीय, इनके लिए तो बहती हवा है, हवा जिस तरफ बह रही है वो उस तरफ जाने की फिराक में होंगे। और जाहिर तौर पर अगर हवा कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, कमलनाथ के पक्ष में नहीं है, तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे। बिल्कुल, तो बीजेपी के साथ जाएंगे, कुनबा बचाने की चुनौती है। लेकिन मनोज, जो 11 बजे कांग्रेस विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कितने विधायक पहुंचेंगे और जो आंकड़े हैं कांग्रेस विधायकों की वो कितने हैं, और ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण जा रही होने वाली है कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। वाकई बैठक इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि जहां तक आंकड़ों की बात है, मध्य प्रदेश की विधानसभा 230 सदस्यों की है, 2 जगह पहले से ही उपचुनाव हो रही थी, यानी 228। अब 228 में से आप ये विधायकों के जो इस्तीफे हुए, एक बार में 16 और एक बार में 6, यानी 22 और हटा दीजिए, तो 228 से 22 हटने के बाद मध्य प्रदेश की जो अभी विधानसभा है, जिसे इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोलते हैं कि अभी सदन में इतने लोग हैं और इनमें बहुमत देखा जाएगा, तो 206 बचे, यानी बहुमत का आंकड़ा आज बिल्कुल, तो आंकड़े बिल्कुल भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। और